ये आप देख सकते हैं, तो लोगों की मुश्किलात बढ़ी हुई हैं बारिश की वजह से, ये जो है ना वो सारा ख़राब हो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम हो गया ना तो व्लाग में। तो आज का व्लाग है जी सियालकोट खारियां मोटरवे के बारे में। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जी लखनवाल इंटरचेंज पर, क्योंकि यहां से जो इंटरचेंज बनना था वो ख़त्म हो चुका है और लिंक रोड जो है ना वो जाएगा अब सीधा फर्स्ट इंटरचेंज जलालपुर जट्टा को। और ये लिंक रोड शुरू होता है जी लखनवाल से, जो पुल लाइन छोटा वहाँ से शुरू होता है ये रोड। ये आप पीछे बड़ा मेन रोड देख सकते हैं छम बड़ीला शरीफ का, और ये भी आप देख सकते हैं ठीक है। और यहाँ से होता है जी शुरू, ये आ गया जी टेम्पर, बिल्कुल वहीं जाएगा जिधर सड़क बन रही है। आपको यहाँ से फर्स्ट इंटरचेंज जलालपुर जट्टा तक का विज़िट कराएंगे, फुल जो है ना सड़क का रिव्यू कराएंगे। तो चलते हैं जी, आप दौड़ बहुत ज़्यादा है। तो ये आप ड्राइवर साहब देख सकते हैं, इनका भी इंटरव्यू लेते हैं और आपको बताते हैं। तो जून का महीना है, आपको पता है जून के महीने में गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो धूप भी शदीद है और ऊपर से जो धूल जो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं जी, आपको विज़िट कराते हैं इंशाल्लाह, जो जो रस्ते में पुल वगैरह या जो भी कारपेट है इन्होंने रोड पर डाला हुआ है आपको बताते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये बज्जर जो है वो पड़ा हुआ है इसके शुरू में। ये आप देख सकते हैं जी डैम्पर जो जा रहा है, ये रोड बिल्कुल ओके हो चुकी है, सिर्फ यहाँ पर कारपेट डालने वाली रह गई है, तो इंशाल्लाह वो भी डल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्पीड आप देख सकते हैं मोटर बाइक की, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, तो लोगों की मुश्किलात बढ़ी हुई हैं बारिश की वजह से, ये जो है ना वो सारा ख़राब हो चुका है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर पुल की तैयारी जो है वो अभी रुकी हुई है। ठीक है, ये है जी इसकी फर्स्ट पुली जिस पे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और ये है जी इसके पिलर जो इस पुली पे रखने हैं इन्होंने। तो चलते हैं जी, ये जो सारी मशीनरी जो है ना वो खड़ी है, ये आप देख सकते हैं डेरा है साथ, बड़ी मुश्किल से बच रहे हैं। ये रोड आप देखते हैं जलालपुर जट्टा से निकल के आता है इधर जो गाँव है ना, ये जो रोड है वो ऊपर से फ्लाई ओवर यहाँ बनेगा तो ये ऊपर से गुजर के आगे की तरफ निकल जाएगा। ये यहाँ से जमीन जो है वो ऊंची थी, इन्होंने काट कर जमीन यहाँ से रोड निकाला है, वो आप रिव्यू देख सकते हैं माशाल्लाह की तरह। ये आप देख रहे हैं सड़क के दरमियान की जगह ट्यूबवेल आ चुका है, दोनों तरफ से सड़क गुजरी और सेंटर में भी। ये है जी दरिया चनाब जो कि रूगा सड़क के दोनों साइडों पर पानी, और जो मेन रोड है लिंक रोड उसकी दूसरी साइड पे हरियाली ग्रीन, तो इस साइड पे वाटर। ओके, तो ये है जी मेन वजह जिसकी वजह से अभी इस सड़क पर जो है ना वो ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पुल वगैरह बनने हैं तो वो नहीं बन रहे अभी। ये आ गया जी फर्स्ट इंटरचेंज, यहाँ बनेगा बम्बू होटल के बिल्कुल सामने, ये आप देख सकते हैं बम्बू होटल है। मेन रोड जो कि जा रहा है सियालकोट एयरपोर्ट, और ये सड़क जा रही है गुजरात हंटर कैब। तो ये है जी फर्स्ट इंटरचेंज जिसकी निशानदेही की गई है, अब कुछ पता नहीं है, वो बाद में चेंज भी कर सकते हैं, डिसलाइक वहाँ बन सकता है यहाँ बन सकता है, एग्जैक्ट नहीं पता ठीक है। तो आप देख सकते हैं बज्जर यहाँ भी पड़ा हुआ है,
और वो मशीनरी खड़ी है जी पुल पर। तो ये रोड जा रहा है जी गुजरात वजीराबाद। तो एक गैर बाद इलाके में जब मोटरवे गुजरती है तो उस इलाके की मैंने वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, कहेंगे जी दरिया चनाब पर पुल जो बना हुआ है और उसके साथ ही मोटरवे का पुल बनने शुरू हो गया। तो चलते हैं, वो आपको पहले दिखाते हैं और फिर वीडियो को करते हैं एंड। चुके हैं जी शबाजपुर पुल पे और आपको यही बताते हैं कि इसके साथ यह पुल देख सकते हैं, यह आम जीटी रोड वाला पुल है और मोटरवे वाला पुल आप वो देख सकते हैं, यहाँ से शुरू होगा और वहाँ ख़त्म। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो वहाँ तक ये जो ढेर लगा ना रेत का वो दूर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और ये है जी ब्रिज जीटी रोड जो सियालकोट को जाता है। तो सारी मशीनरी जो है ना वो लगी हुई है, अभी वहाँ पे मशीनरी खड़ी है जो कि इसका कंस्ट्रक्शन का काम है जारी है। ले जी आप देख सकते हैं दूसरी साइड पे हम आए हैं और इधर से यहाँ से पुल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा और यह मशीनरी देख सकते हैं लगी हुई है कारपेट वाली और वहाँ जाके जो है ना फर्स्ट इंटरचेंज ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई होगी लाइक करें, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं जी मोटरवे के बारे में। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह हम जा रहे हैं जी घर और खुदा हाफिज़।